हाय, वेलकम टू बिहार रीजनल डॉट नेट। इसरो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल मैंने लिया है आज के पटना संस्करण से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि नए नए शिक्षक ग्रामीण स्कूल में पदस्थापित होंगे। तो विद्यालय अध्यापकों के स्कूल आवंटन को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर इस आर्टिकल में बताया गया है। तो आइए आपको हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताते हैं कि इस आर्टिकल में ट्रेनिंग को लेकर, साथ ही स्कूल आवंटन को लेकर क्या बताया गया है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन में गांवों के स्कूल को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम है। इसको देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है कि इसी के हिसाब से नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने की तैयारी चल रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नौवीं दसवीं शिक्षकों के सभी पद उन उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल को दिए जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित हैं। वहीं 11वीं और 12वीं के अधिकांश शिक्षकों के पद भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही रिक्त हैं। प्राथमिक स्कूलों में भी कमोवेश यही स्थिति है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर शहर के स्कूल में भी पदस्थापन किए जाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर शहर के स्कूल में भी पदस्थापन किए जाएंगे, ये शायद बाद में है। हालांकि ये वैसे स्कूल जहां छात्र अधिक है और शिक्षक काफी कम है। इसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में स्कूल के नाम है, नाम और विषयवार पद अपलोड किए जा रहे हैं। शिक्षकों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। किस शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा, जिसमें पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं रहेगी। जिन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, वहां पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर पदस्थापन करेगा। साथ ही आप देखेंगे कि एक और अपडेट दिया गया है कि नए शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 4 से। तो अभी प्रशिक्षण चल रहा है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन वाला। तो आइए आप हम बताते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का 4 नवंबर से आवासीय प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके लिए 15 दिनों का प्रशिक्षण मॉडल राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण राज्य के 77 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान DIET CET में होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है। पाठक ने जिला अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि बीपीएससी से चयनित 1,10,000 शिक्षकों को विभिन्न जिला में योगदान किया है। 2 नवम्बर से इन सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के बाद पूर्णतः आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए। जिला अधिकारी को कहा गया है कि आपके जिले में शिक्षित प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है, इनमें ओरिएंटेशन कोर्स 23,000 शिक्षकों का चल रहा है, यहीं पर 4 नवंबर से प्रशिक्षण शुरू किया जाए। यह लगातार कई महीनों तक चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रशिक्षण को लेकर बार बार कितना प्रशिक्षण चलेगा अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो अभी फिर से बताया गया जा रहा है कि 4 नवंबर के बाद से जो है 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। साथ ही स्कूल आवंटन का भी आप देख रहे होंगे, स्कूल आवंटन को लेकर भी जो है बताया गया है कि 2 नवंबर के बाद जो है 4 नवंबर से स्कूल का आवंटन होगा। लेकिन फिर इधर बताया जा रहा है कि 4 नवंबर से जो है 15 दिनों तक जो है आपका आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन आवासीय प्रशिक्षण तो सिर्फ शहर में दिया जा रहा है और अन्य जगह नहीं दिया जा रहा है, ये चिंता का विषय है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो हमारी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट .net।